सो हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो आज हमको ट्रेड करने वाले हैं कोटेक्स के अंदर। तो गाइस, अभी मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड है प्रॉपर, तो हम यहाँ से किस डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक ओवरलैप का लेवल है, तो वहां पे भी हम इस कैंडल का रिएक्शन देखेंगे। मार्केट ने यहाँ पे गैप अप किया है, बट प्रीवियस कैंडल को यहाँ पे कोई लेवल महसूस नहीं हुआ था, तो इन्होंने किस लेवल को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे गैप अप किया है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे और नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ट्रेडिंग सेशन रहेगा जो कि होगा $15 से कंपाउंडिंग सेशन ट्राई करेंगे, ठीक है। ठीक है, मार्केट को यहाँ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ चुकी है, मार्केट को नीचे टारगेट को भी फिल करना है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिया है, यानी कि कैंडल यहाँ पे रेड ही आएगी, ठीक है। क्यों? प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे वीक ब्रेकआउट करके मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूएशन का साइन दिया है। प्लस मार्केट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स के नेक्स्ट शोल्डर को भी यहाँ पे, जो फर्स्ट शोल्डर है उसको भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, यानी कि मार्केट को यहाँ से डाउन डायरेक्शन में ही जाना है, जो कि प्रीवियस यहाँ पे जो साइकोलॉजी है, सॉरी प्रीवियस यहाँ पे जो वीक है, इसका फुलफिल करने, ठीक है। ओवरलैप को तो यहाँ इन्होंने फिल किया, बट मार्केट यहाँ से जो मिडल से रिवर्स हुई है, जो वो हुई थी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न से, ठीक है। अभी देखते हैं गाइस क्या रहता है इस कैंडल के अंदर, ठीक है। कैंडल को यहाँ पे रेड ही बनना है, क्योंकि मार्केट में पूरी वीकनेस है, ठीक है। सेलर्स के साथ हम नहीं जा सकते, बायर्स के साथ हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स बना, देन मार्केट नीचे, बुलिश एंगल्फिंग बना, देन मार्केट नीचे, यानी कि बायर्स का पैटर्न यहाँ पे सक्सेस नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं गाइस, अगर ये कैंडल इस लेवल के ऊपर रही तो मैं नेक्स्ट बायर के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। मार्केट ने उस लेवल के नीचे क्लोज करके यहाँ पे गैप अप कर दिया, गैप डाउन कर दिया है, यानी कि लेवल के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हुआ है गैप डाउन और कंटिन्यूएशन नहीं मिला है। प्लस प्रीवियस जो सेलिंग कैंडल है उसने हाई लगाया है प्रीवियस कैंडल के ऊपर, जबकि ऊपर जाके हाई लगाने का काम बायर का होता है और यहाँ पे वो काम सेलर ने किया है, तो अब बायर यहाँ पे उसी लेवल को फिल करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट अपना जो कंपाउंडिंग स्टेप होगा थर्ड, ठीक है, $90 से हम यहाँ पे करेंगे, सॉरी 49 से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी इस करंट कैंडल का रिएक्शन हम देखेंगे, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जो कि प्रॉपर वैलिड तो नहीं है, बट हम उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे गैप हुआ था, बट यहाँ पे हमारे पास विजिबल लेवल कोई था, ठीक है, ये इस रेजिस्टेंस से ओपन हुआ था, ठीक है। मार्केट एक रेजिस्टेंस पे क्लोज है, यानी कि अब यहाँ से बायर ही आएंगे वापस, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन का अगेन ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा पता नहीं इंटरनेट इश्यू वगैरह है, मेरे एंट्रीज बड़ी लेट लग रही है गाइस, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैंने क्यों कॉल ऑप्शन का ट्रेड लिया है कि यहाँ पे गाइस साइकोलॉजी को समझो, ये वीक पे क्या होने चाहिए थे, सेलर होने चाहिए थे, बट वहां पर ही बायर कैंडल क्लोज है, यानी कि यहाँ पे जो सेलर थे अब वो अपना पोजिशन ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे, जो कि इसी प्रीवियस कैंडल की वीक ने यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो हमें उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करना है, सेलर ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे तो फिर बायर भी ऊपर आएंगे ना, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन का ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है। अभी देखते हैं कैंडल क्या रहती है, ठीक है। रिफंड आया है गाइस मेरा, ठीक है, तो मैं यहाँ से वापस से $49 से ही ट्रेड करूंगा। अब मार्केट को ओवरलैप लेवल के ऊपर ही रखा गया है, तो मुझे यहाँ पे पता है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। मार्केट ने ओवरलैप के लेवल से यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है और ये सेलर का वीक कैंडल है, ठीक है, और सेलर आए हैं, तो अब यहाँ से बायर के साथ ही जाया जाएगा, क्योंकि ऊपर का लेवल गाइज अभी भी बता रहा हूँ फिल नहीं हुआ है, ठीक है। ऊपर का लेवल कौन सा है, जहां से इस वीक को रिजेक्शन आई थी, ठीक है, और यहाँ पे विजिबल लेवल कोई नहीं है, ठीक है, तो वहां पे एक 50 का राउंड नंबर है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने अगेन, मेरा व्यू सही था, बट प्रीवियस जो कैंडल थी उसमें एंट्री मेरा थोड़ा खराब था, यानी कि रिफंड वाला एंट्री लगा था, ठीक है, थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी और बरतता तो शायद मेरा विन हो जाता। अब इस कैंडल को यहाँ पे रिएक्शन देखे, ठीक है, ठीक है, अब यहां से नीचे आया है, ठीक है, कैंडल को इस पॉइंट पे, ठीक है, बायर का एंट्री आ चुका है, तो मैं यहां से कॉल ऑप्शन के लिए ही ट्रेड प्लेस कर दूंगा, ठीक है। अब ये मेरा प्रॉपर
एक एनालिसिस है क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, इसी लेवल पे बाइंग सेलिंग दिखाया एंड मार्केट उसी पर क्लोज हुआ है। और यहाँ पे देखना गाइस वीडियो को रिवाइंड करके, यहाँ पे बायर पोजीशन थी, यहाँ से रिकवरी हो रही थी बायर की ऊपर के लिए, ऊपर के लिए ठीक है। तो यहाँ पे फोकस किया होगा जिसने वीडियो में, तो उसको रिएक्शन यहाँ पे नोट हुआ होगा ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रही है ठीक है। अब देखते हैं गाइस क्या रहती है इस कैंडल के अंदर। कैंडल यहाँ पे ग्रीन ही बन जाएगा ठीक है, क्योंकि ये अब जायंट W बन जाएगा।